डॉक्टर ने इसके बारे में हमको चेकअप करवाने बोला था, हमने इसका पूरा चेकअप करवाया, इसके बारे में हमको पता चल गया था पैदा होते ही। फर्स्ट टाइम ऐसा सुनी ना, मेरी हालत ख़राब हो गई, मैं एकदम कंफर्म हो गई। तो डॉक्टर मुझे बोला आप ऐसा टेंशन मत लो, आपको मालूम है बच्चा कैसा है करके। मेरे को बहुत ख़राब लगा, मेरे तीन बच्चे अच्छे और ये चौथा बच्चा अल्लाह ने ऐसे क्यों दिया, मेरे को तो ख़राब लगा। मतलब जैसा बोलो मेरे को ये स्कूल में डाली जब से तो बहुत अच्छा लगने लगा, जैसा बोलो वैसा करता, आके बोलता लिखने दो पानी दो, ऐसा जैसा मेरे को टीचर ने बताई मैं वैसा ऐसा उसके साथ करती थी तो वैसा मेरे साथ करने लगा। प्रवीण का जब स्कूल में आया तभी हम लोग उसका साइकोलॉजी देखेंगे तो वो थोड़ा नर्वस जैसे लगता था, उसको शुरुआत में गुस्सा बहुत आता था। वो बच्चे के पिताजी 3 साल पहले ही गुजर चुके थे, उसकी दादी माँ थी और उसकी माँ पिताजी गुजर जाने के बाद थोड़ी सी मेंटली भी हो गई थी, थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी। ये बच्चे को हम लोग साथ साथ वैसे आगे लेके जाने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम देंगे, और ये बच्चा करने वाला है, उसकी बुद्धि की अक्ल अच्छी है तो उसको ज़्यादा करके हमने ड्राइंग करने के लिए। जब उसका उम्र हुआ तो शादी भी किया, शादी भी हमारी स्कूल की एक लड़की थी नलिनी उसके साथ किया, क्योंकि वो ही मेरी क्लास में थी और वो 7वीं तक नॉर्मल स्कूल में पढ़ी थी, और उसके साथ शादी हो गई। शादी के बाद बच्चे हुए और बच्चा नॉर्मल है, और वो बच्चा भी वो माँ बाप के साथ अच्छी तरह से बात करते हैं। प्रवीण और मैं हम लोग बचपन से ही एक साथ बड़े हो गए। स्कूल में आया तो वो अनसिक्योर महसूस करता था, और पहले से उसको ड्राइंग में काफ़ी इंटरेस्ट था। उसका पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पेपर पे लाता था। मैंने एक ड्राइंग का और स्क्रीन प्रिंटिंग का ट्रेनिंग किया, वो कंप्लीट करने के बाद वो जॉबलेस था, तो मैडम ने उसको इमिडिएटली नौकरी दी अपने इंस्टीट्यूट में। लेकिन टीचर के लिए जो काबिलियत चाहिए थी वो उसमें लानी थी, तो वो यहाँ पे पूरी कराई हम लोग ने। साथ साथ हम लोग ने उसको बहुत सारे अलग अलग आर्ट फील्ड के जो अलग डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है वो सिखाई। 2004 में जो इंटरनेशनल ओलंपिक हो गई थी इंडिया में, उसमें वो 3rd नंबर पे आ गया था। नेक्स्ट जो हो रहा है वो कोरिया में हो रहा है 2011 में, हम लोग उसकी तैयारियाँ भी कर रहे हैं, और भी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग जो देना है, एडवांस ट्रेनिंग देना है वहाँ पर, उसके लिए हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। वो आया तो बहुत छोटा था, तो मुझे लगा ये स्कूल में बड़े बड़े बच्चों में एडजस्ट हो पाएगा कि नहीं। उसको आए अभी 6-7 महीने हो गए, खाना खाने खाते वक्त उसको सब गिरता था नीचे, ऐसा पकड़ता था उसको, पकड़ ग्रिप नहीं थी। अभी वो अपने हाथ से खाता है बराबर से, सिर्फ बीच बीच में देखना पड़ता है। तो बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस भी हुआ है और सब में मिलजुल के रहता है। किसी भी एक्टिविटी में खुद भाग लेता है, हमें उसको पुशिंग ऐसा नहीं करना पड़ता, अपने आप आता है। अबाव 80 के बच्चों के लिए ओकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोलने वाले हैं, जो बच्चे खुद के पैरों पर खड़े हो सके और खुद की जिम्मेदारी खुद संभाल सके, इसलिए पेरेंट्स का भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स ज़्यादा करके इन्वॉल्व नहीं होते, वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। जमीन पर
मुझे ऐसा लगा ये बच्चा कुछ करेगा आगे चल के, कुछ करेगा, यही उम्मीद है कि कोई भी एक कर रहा है तो ऐसा करो कि मेरे बच्चे को लाइफ में कुछ बन के दिखाए, मेरे चारों बच्चों में ही अच्छा बने, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई, जैसे रंगों भरी।